नमस्कार मित्रों, मैं पीके सर आज उपस्थित हूँ आप सबके मध्य एक वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो अलंकार पर आधारित है। अलंकार टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्तर की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह परीक्षाएं जूनियर स्तर की हों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक या परा स्नातक की हों, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें सामान्य हिंदी या हिंदी साहित्य पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं में अलंकार से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज हम अलंकार पर बात करेंगे और अलंकार टॉपिक जो लोगों को बहुत कठिन लगता है, बच्चों को बहुत कठिन लगता है, सोचते हैं कि अलंकार कैसे पता करेंगे, कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है और कैसे जानेंगे, कैसे अलंकारों को बता पाएंगे। और होता भी ये है कि अलंकार वाले प्रश्न अधिकांश लोगों के गलत हो जाते हैं। तो अब आज के बाद अलंकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अलंकारों पर हम निचले स्तर से बात करेंगे और उच्च स्तर तक पहुँचेंगे, अर्थात यह अलंकार से संबंधित वीडियो निम्न स्तर अर्थात जूनियर से शुरू होकर उच्च स्तर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सारी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। और आज के बाद आपके मन से अलंकार का भय समाप्त हो जाएगा और आज के बाद आप अलंकार को चुटकियों में, आपको कोई भी देर नहीं लगेगी, आप पंक्ति को देखेंगे और उत्तर सही कर देंगे। अलंकार का भय समाप्त आज के बाद हो जाएगा। तो आज देखते हैं अलंकार टॉपिक को। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको जानकारी उपयोगी मिले, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अलंकार। आप शब्द देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है अलंकार। शुद्ध रूप से इसका उच्चारण किया जाए तो अनुस्वार लगा हुआ है अलंकार, अर्थात अलंकार शब्द यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए तो दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक शब्द है अलम, पहला शब्द क्या है अलम, और दूसरा है कार। अलम और कार के योग से अलंकार शब्द बना है। अलम और कार के योग से अलंकार शब्द बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का अर्थ होता है करने वाला, शोभा करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ शोभा करने वाला, अर्थात जो शोभा करे वही अलंकार है। अलंकार किसे कहेंगे? शोभा करने वाला, शोभा करने वाला अलंकार है। शोभा करने वाला अलम म है, हलंत लगा हुआ है। का यदि आपने अलंकार शब्द में संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक नियम आता है, यदि म के बाद कसे मतक कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कसे मतक, तो इसका परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमाक्षर में, जो वर्ड होगा वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर में या अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अहम धनकार, अहंकार, सम धनगम, संगम, ऐसे ही अलम धनकार, अलंकार, अर्थात शोभा करने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शोभा करने वाला। ये तो संधि का विच्छेद करके हमने अर्थ जान लिया, शोभा करने वाला।
आप इतना जान गए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा करने वाला। वैसे अलंकार शब्दकोश में देखा जाए तो अलंकार के कई अर्थ मिलते हैं। कौन कौन से अर्थ मिलते हैं अलंकार के? जो अर्थ मिलते हैं जैसे आभूषण, अलंकार का एक अर्थ मिलता है आभूषण, अर्थात आभूषण को ही अलंकार कहते हैं। आभूषण जो होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। एक अलंकार का अर्थ है श्रृंगार। क्या? श्रृंगार। श्रृंगार ऐसा लिखा जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। यदि आप इस तरह से श्रृंगार लिखते हैं तो ये अशुद्ध वर्तनी है, ऐसा नहीं लिखना है। या आप इस तरह से लिखते हैं तब भी ये अशुद्ध वर्तनी है, इस तरह से श्रृंगार नहीं लिखना है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, आभूषण, श्रृंगार, सजावट। एक अर्थ सजावट भी है। क्या? सजावट। सजावट को ही अलंकार कहते हैं, सजने को ही अलंकार कहते हैं, श्रृंगार करने को ही अलंकार कहते हैं, श्रृंगार को अलंकार कहते हैं, आभूषण को अलंकार कहते हैं, शोभा करने वाला अलंकार कहलाता है। अर्थात इन सब से यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष एक ही निकल रहा है, आभूषण भी शोभा बढ़ाते हैं। जैसे स्त्रियां, लड़कियां, महिलाएं आभूषण धारण करती हैं तो शोभा बढ़ाने के लिए। श्रृंगार, यदि कोई श्रृंगार करता है तो श्रृंगार क्यों करता है? शोभा बढ़ाने के लिए, अच्छे लगे, सुंदर लगे। वैसे भी सुंदर हो और आभूषण धारण कर ले तो और सुंदरता बढ़ जाती है, तो सुंदर लगने के लिए श्रृंगार किया जाता है। सजावट, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना, सेंट का प्रयोग करना, अन्य पदार्थों का प्रयोग करना, सजना। तो ये क्या है? अलंकार। ये सब अलंकार में आएगा। ऐसे ही शोभा करने वाला, जो शोभा बढ़ाए, जिससे शोभा बढ़े, उसे कहते हैं अलंकार। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अलंकार शोभा उत्पन्न नहीं करते, सुंदरता उत्पन्न नहीं करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो आज आपने इसका अर्थ जान लिया, अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार का अर्थ है शोभा करने वाला, अलंकार का अर्थ है आभूषण, अलंकार का अर्थ है श्रृंगार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट। इनमें से कोई भी विकल्प आ जाए, प्रश्न आ जाए कि अलंकार का अर्थ नहीं है आभूषण, श्रृंगार, सजावट, या यहाँ पर लिख दें कोई अन्य विकल्प बना के लिख दें शोभा न करने वाला, तो क्या होगा? ये विकल्प सही हो जाएगा, शोभा न करने वाला। इस प्रकार से अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपने जान लिया। अब अलंकार की परिभाषाएं क्या क्या है, अलंकार के संबंध में क्या क्या लिखा गया है, इस पे बात करेंगे। इसे मिटाए दे रहे हैं, यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटी सी परिभाषा है, अलं करोत इति अलंकारः। क्या है? अलं करोत इति अलंकारः। अलं करोत इति अलंकारः बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। बहुत आपने देखा होगा, कहीं भी पुस्तक देखी होगी तो ये परिभाषा अधिकांश पुस्तकों में मिलती है, अलं करोत इति अलंकारः। इसका हिंदी में अर्थ होता है जो अलंकृत करे वही अलंकार है। हिंदी क्या होता है इसका? जो अलंकृत करे वही अलंकार है, जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जो अलंकृत करे वही अलंकार है, या शोभा कारक पदार्थ, या करके कह सकते हैं शोभा कारक पदार्थ, शोभा
कारक पदार्थ। शोभा कारक पदार्थ का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले, अलंकृत करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले पदार्थों को ही अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने दी है। किसने दी है ये परिभाषा? भरत मुनि। भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा, नाट्यशास्त्र नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है और उसी नाट्यशास्त्र में इन्होंने अलंकार के संबंध में लिखा है अलं करोत इत अलंकार। अलं का अर्थ होता है शोभा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अलंकार शोभा, करोत करता है, करोत का अर्थ क्या है? करता है। इत वही अलंकार, अलंकार है जो शोभा करता है वही अलंकार है, जो शोभा करता है वही क्या है? अलंकार। अर्थात शोभा करने वाले पदार्थ को ही अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा आपने समझ ली होगी, ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में दी। इसके अलावा छोटी छोटी दो परिभाषाएं और मिलती हैं, जैसे अलंक्रियते अनेन इत अलंकार, अलंक्रियते अनेन इत अलंकार, ये पहली थी। ये छोटी सी दूसरी परिभाषा है, इसे अर्थ भी कह सकते हैं, इसका अर्थ यहां से प्रकट हो रहा है अलंक्रियते, ल नहीं लिखा है, अलंक्रियते अनेन इत अलंकार, अलंक्रियते अनेन इत अलंकार, अलंक्रियते अनेन इत अलंकार। इसका भी अर्थ होता है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वही अलंकार है, जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है, वही अलंकार है। वही क्या है? अलंकार है। जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वही अलंकार है। बहुत महत्वपूर्ण, जो अलंकृत करे वही अलंकार है, जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वही अलंकार है। अब जिसके द्वारा आपकी शोभा कैसे बढ़ रही है? यदि आप काजल लगाते हैं और काजल से शोभा बढ़ रही है तो काजल अलंकार है। यदि आप कानों में आभूषण धारण करते हैं और उससे शोभा बढ़ रही है तो वही अलंकार है। यदि आप अच्छे वस्त्र धारण कर रहे हैं और उससे आपकी शोभा बढ़ रही है तो वही अलंकार है। तो ये जो भी वस्तु शोभा बढ़ाएगी उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। एक और है अलंकरणम अलंकार, तीसरा आ रहा अलंकरणम अलंकार ऊपर लिखे दे रहे हैं। अलंकरणम अलंकार आभूषण ही अलंकार है। इसका अर्थ क्या है? आभूषण ही अलंकार है या है, आभूषण को ही अलंकार कहते हैं। जो भी आप आभूषण धारण करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण, अलं करोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है, शोभा कारक पदार्थ अलंकार कहलाते हैं, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं, और अलंकरणम अलंकार, आभूषण ही अलंकार है। इस प्रकार से आपने अलंकार के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आप इसे देख लें, अलंकार क्या है आप समझ गए होंगे, आपको कंठस्थ भी हो गया होगा
याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मन मस्तिष्क से वीडियो देख रहे हैं और पूरी वीडियो देखेंगे तो आज के बाद आपके मन से अलंकार का भय समाप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ विद्वानों द्वारा अलंकार के संबंध में जो कथन कहे गए हैं उन पे बात करते हैं। वैसे माना जाता है कि अलंकार सर्वप्रथम ऋग्वेद में बीज रूप में प्राप्त होते हैं। अलंकार की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से मानी जाती है? ऋग्वेद से। सबसे पहले ऋग्वेद में अलंकार के संबंध में बीज मिलता है, अलंकार के संबंध में चर्चा की गई है थोड़ी सी। उसके बाद अन्य ग्रंथों में भी, जैसे रामायण है, महाभारत है, उनमें भी अलंकारों से संबंधित बातें प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से यदि काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें मतभेद है, कुछ विद्वान किसी अन्य को मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा मानते हैं कि काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलंकारों के संबंध में सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने चर्चा की है काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से। कैसे? काव्य शास्त्र के रूप में यदि अलंकार पर बात की जाए तो सबसे पहले भरत मुनि का नाम आता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र में। मूल रूप से तो ये नाटक से संबंधित है और मूल रूप से भरत मुनि भी रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अलंकारों के बारे में लिखा है। और इन्होंने अपने ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में, चार प्रमुख अलंकारों की बात की है। कितने अलंकारों की? चार। रस कितने बताए इन्होंने? आठ रस बताए हैं इन्होंने। जब रस पे बात करेंगे तब कौन कौन से रस हैं ये जानेंगे। और चार अलंकार बताए हैं। चार अलंकार कौन कौन से बताए हैं? अलंकारों के प्रकार, संख्या पर जब बात करेंगे तब उनके नाम जानेंगे। अभी मुख्य रूप से हम बात ये कर रहे हैं कि जो अलंकार संप्रदाय है इसका प्रवर्तक कौन है। तो मूल रूप से वैसे तो इस संप्रदाय का कोई भी प्रवर्तक नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वान आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भामह को। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अलंकार पहले से मिलते हैं, अलंकार की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, लेकिन प्रबल पोषक इन्होंने सबसे अधिक बल दिया अलंकार पर। आचार्य भरत मुनि ने कहा कि काव्य की आत्मा रस है, तो इन्होंने कह दिया कि काव्य की आत्मा अलंकार है। इसलिए सबसे प्रबल पोषक कहा जाए तो और बेहतर रहेगा। वैसे आप कह सकते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं। और ये कौन सी शताब्दी में हुए थे भामह? छठी शताब्दी में हुए थे। छठी शताब्दी में भामह हुए थे। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो भामह ने अलंकार को महत्व देते हुए यहाँ तक कह दिया कि जिस प्रकार से सुंदर स्त्री बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती, वैसे ही कविता भी बिना अलंकार के अच्छी नहीं लगती। कविता बिना अलंकार के अच्छी नहीं लगती। तो इन्होंने संस्कृत में लिखा है। क्या लिखा है भामह ने? क्या लिखा है आइए बात करते हैं। न कांतामप निर्भूषम विभात वनिता मुखम, न कांतामपे, न कांतामपे निर्भूषम विभात वनिता मुखम।
वनिता मुखम की जगह वनितानम भी कह सकते हैं, वनिता आननम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है और कई बार पूछी जाती है, आप नोट कर लें, आप समझ लें। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, न नहीं, कांतामपि कांता स्त्री, अपि भी निर्भूषम बिना आभूषणों के, विभात वनिता मुखम, जिस प्रकार से आभूषण रहित स्त्री शोभा नहीं पाती है, वैसे ही अलंकार विहीन कविता भी शोभा नहीं पाती है। बहुत बड़ी बात कही है अलंकार के समर्थन में, तो इसे हिंदी में भी लिख लें, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी, लिख सकते हैं इसे, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता। अब इन्होंने ये कहा कि जैसे कोई भी स्त्री होती है, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, लेकिन फिर भी आभूषणों को धारण करती है, और आभूषणों को धारण करके उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ध्यान ये रखना, थोड़ी देर पहले बताया था कि अलंकार से सुंदरता क्या होता है, बढ़ती है, उत्पन्न नहीं होती है। कोई कुरूप है और उसे आभूषण पहना दो तो उसमें सुंदरता नहीं आ जाएगी, सुंदरता जिसमें है उसकी सुंदरता कुछ बढ़ जाएगी, बस इतना है। तो इनकी इस बात का कुछ आचार्यों ने, काव्यशास्त्री जो आचार्य हैं, उन्होंने विरोध भी कहा, विरोध किया और ये कहा कि अलंकारों के बिना भी वनिताएं सुंदर लगती हैं। आप भी जानते होंगे, कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो आभूषण धारण न करें फिर भी सुंदर लगती हैं। तो इसका विरोध किया गया कि न कांतामक निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, जिस प्रकार से स्त्री का सुंदर मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है, ये बात सही नहीं है। इसका खंडन भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपना मत दिया था। आगे बात, एक और मत पे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य दंडी, जिनकी परिभाषा, ये परिभाषा आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आती है, न कांतामक निर्भूषम विभात वनिता मुखम, जैसे स्त्री का मुख आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता है, वैसे ही कविता भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाती है। अब बात करते हैं आचार्य दंडे की। आचार्य दंडी इन्होंने भी अलंकार के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है और बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान
अलंकाराम प्रचक्षते प्रचक्षते काव्य शोभाकराम धर्मान अलंकाराम प्रचक्षते बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, ये परिभाषा लिख के आती है पेपर में, काव्य शोभाकराम धर्मान अलंकाराम प्रचक्षते, किसने कहा है? दंडी ने, भामह ने, राजशेखर ने, विश्वनाथ ने, चार विकल्प दिए होंगे। काव्य काव्य की शोभाकराम शोभा करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, धर्मान धर्म 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 से आशय है विशेष गुण विशिष्ट गुण, ठीक है। यहाँ धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, विशिष्ट गुण। धर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर? विशिष्ट गुण से। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार कहलाते हैं, काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि काव्य के शोभाकारक या शोभा बढ़ाने वाले विशिष्ट गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं, काव्य के शोभाकारक विशिष्ट गुण अलंकार कहलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए, और देखते चलें, लिखते चलें, समझते चलें, और यदि आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ लें। आपका कोई भी प्रश्न होगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, बैठने वाले हैं, तो आपका अलंकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है, आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा, बस आप पढ़िए और समझिए। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य के शोभाकारक विशिष्ट गुण या धर्म, यहाँ धर्म शब्द भी लिख सकते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य के शोभाकारक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले विशिष्ट गुण क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लें, आप इसे याद कर लें, और एक दो बार उच्चरित करेंगे तो ये आपको याद हो भी जाएगी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभाकारक विशिष्ट गुण अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, जिस परिभाषा में कहा गया है कि अलंकार रहता विधवेव सरस्वती, क्या कहा गया है? अलंकार रहता विधवेव सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ऊपर वाली भी महत्वपूर्ण थी, आपको पहले बता दिया गया। अलंकार रहता, अलंकार अलंकार, रहता बिना, अलंकार के बिना, अलंकार रहता रहित बिना, अलंकार के बिना, विधवेव विधवेव विधवा ही है, क्या है? विधवा। सरस्वती 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 अलंकार के बिना विधवा के समान है। सरस्वती अलंकार के बिना विधवा के समान है या विधवा है, तो यहाँ सरस्वती से आशय हम काव्य से लगाएंगे। काव्य अलंकार के बिना विधवा के समान है। कैसा? जैसे विधवाएं जो होती हैं वो अलंकार धारण नहीं करती हैं, विधवाएं गले में हार नहीं पहनती हैं, विधवाएं कोई भी श्रृंगार नहीं करती हैं, विधवाएं ज़्यादा सजती संवरती नहीं हैं, तो अलंकार धारण नहीं करती हैं। यही बात इस परिभाषा में कही गई है, अलंकार रहता विधवेव सरस्वती। और ये परिभाषा
ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। ये परिभाषा अग्नि पुराण के अनुसार है, काय के अनुसार है, अग्नि पुराण के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण, अर्थात यदि प्रश्न आए कि अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किस ग्रंथ में कहा गया है या किसने कहा है, तो अग्नि पुराण कार ने। ये अग्नि पुराण किसने लिखा है ये नहीं मिलता है, तो किस ग्रंथ में कहा गया है, अग्नि पुराण में। ठीक है, इसका हिंदी भी लिख लें, अलंकार के बिना, अलंकार के बिना, बहुत महत्वपूर्ण, अलंकार के बिना, अलंकार रहता अलंकार के बिना, विधवेव विधवा ही है, विधवा एव। सरस्वती, या हम कोष्ठक में लिख सकते हैं काव्य, ठीक है, या हम ऐसे 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 भी कह सकते हैं, काव्य अलंकार के बिना विधवा है, या सरस्वती अलंकार के बिना विधवा है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा अग्नि पुराण में दी गई है, अग्नि पुराण में कहा गया है, अलंकार रहता विधवेव सरस्वती, सरस्वती भी विधवा प्रतीत होती है अलंकारों से रहित होकर, अलंकारों के बिना। ठीक है, तो अलंकार की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, और यहाँ पर अलंकार से आशय अर्थालंकार से दिया गया है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा, अब ये संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई जो संस्कृत में दी गई हैं, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी कुछ देखते हैं। हिंदी से संबंधित, हिंदी के विद्वानों में अलंकारवादी आचार्य सर्व प्रमुख और सबसे पहले नाम आता है आचार्य केशवदास का, हिंदी में आचार्य केशवदास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, इन्होंने बहुत कठिन काव्य लिखा है। आचार्य केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य थे, और इन्होंने अलंकार को बहुत महत्व दिया, अलंकार को महत्व देते हुए इन्होंने लिखा है, जदपि सुजापि सुलक्षणी, इनका कथन क्या है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सरस सुबित, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवित भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, पिछली अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई उसमें ये परिभाषा आई भी थी, और पूछा गया था कि ये कथन किसका है, किसने कहा है, जदपि सुजात सुलक्षणी सुवरण सरस सुवित भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, तो ये किसने कहा है, ये आचार्य केशवदास ने कहा है। आचार्य केशवदास ने अलंकारों की महत्ता बताते हुए लिखा है जदपि, जदपि का अर्थ होता है यद्यपि, सुजात सु का अर्थ होता है अच्छा, जाति का अर्थ होता है जात, यद्यपि अच्छी जाति की हो, ऊंची जाति की, उच्च कुल की ऊंची जाति की, जातियां होती हैं अपने समाज में, भारतीय समाज में जातियां, जातियों में बटा हुआ समाज है, कुछ उच्च जातियां, आजकल तो जातिवाद समाप्त सा हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में जातिवाद था, पहले जातिवाद था, जब केशवदास थे उस समय बहुत था। तो केशवदास ने लिखा जदपि सुजात अच्छी जाति की हो, ऊंची जाति की हो, सुमाने अच्छी, लक्षणी लक्षणों वाली,
अच्छे लक्षणों वाली हो। लक्षणों का मतलब अच्छे गुणों वाली हो, सद्गुणी हो। सुवरण, सु माने अच्छा, वरण माने रंग, वरण माने वर्ण, वर्ण वरण वर्ण, वर्ण माने रंग, अच्छा रंग हो। अच्छा रंग अपने यहाँ गोरा रंग अच्छा रंग माना जाता है, काला रंग गोरा रंग या गोरा और सांवला, तो जो भी अच्छा लगे जैसा भी अच्छा हो तो उस अच्छे रंग वाली हो। सरस रसीली हो, कैसी हो? रसीली, रसीली का मतलब मीठी मीठी बातें करने वाली। रसीली का मतलब क्या होता है? मीठी मीठी बहुत मधुर बोली बातें करें तो ऐसा लगे कि फूल झर रहे हैं, ऐसा लग रहे कि बातें करते समय उसके मुंह से फूल झर रहे हैं, मधुर मधुर बोले, कोई भी सुने वही मोहित हो जाए। सरस सुवित्त, वित्त माने चरित्र, अच्छा चरित्र। अब समझ लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, यद्यपि अच्छे जाति की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, अच्छे रंग वाली हो, अच्छा बोलने वाली हो, रसीली हो और अच्छे चरित्र वाली हो, सारी बातें आ गई। चरित्र भी अच्छा हो, अच्छा बोलती भी हो, अच्छा रंग भी हो, अच्छे लक्षण भी हो, अच्छी जाति भी हो, फिर भी भूषण आभूषण, भूषण का मतलब आभूषण, जो आभूषण स्त्रियां धारण करती हैं वो, बिन के बिना न नहीं, विराजई भूषण बिन न विराजई, अच्छी नहीं लगती। कविता बनता मित्र, कविता बनता स्त्री। अब ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी स्त्री है, बनता का अर्थ होता है स्त्री, बनता का अर्थ क्या होता है? स्त्री। कोई भी स्त्री अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, अच्छे रंग की हो, अच्छी बातें करने वाली हो, अच्छे चरित्र की हो, फिर भी यदि वो आभूषणों को धारण न करे, वो श्रृंगार न करे, तो वो अच्छी नहीं लगती। वैसे ही कविता में सारे गुण हों और अलंकार न हो, अलंकार से युक्त न हो, तो कविता भी अच्छी नहीं लगती। तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आचार्य केशवदास की, जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। आप लिख लें और इसका अर्थ, आप हम बोल रहे हैं तब से, आप अर्थ हमने यहाँ लिखा नहीं है, एक बार फिर से एक बार में बोले दे रहे हैं। जिस प्रकार से या यद्यपि कोई भी स्त्री अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, अच्छे रंग की हो, रसीली हो, अच्छा बोलने वाली हो, मधुर बोलने वाली हो और अच्छे चरित्र वाली हो, फिर भी बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, वैसे ही कविता भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। अब अलंकार से संबंधित हिंदी के आचार्यों में आचार्य केशवदास, जिनका मत बहुत पूछा जाता है, उनके द्वारा दी गई परिभाषा आपने लिख ली। एक परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है अलंकारों के संबंध में। उनका कथन बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर, अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर, अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर, भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य
और सुषमा सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। सृष्टि होती है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है अलंकारों के संबंध में। अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। अब राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि अलंकारों के प्रयोग से, यदि अलंकार का प्रयोग किया जाए काव्य में तो भाषा और भाव, जो भाषा है वो और भाव है जो वो, की नग्नता दूर होकर उसकी जो कमियां हैं, बेइज्जती जो है बिना अलंकारों के उसकी कोई इज्जत नहीं है, नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। मतलब सौंदर्य बढ़ता है और सुषमा बढ़ती है, काय से अलंकारों से, काय की भाषा की और भाव की, कविता की, काव्य की। एक परिभाषा अरस्तु ने दी है, भाषा को लोक सामान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हो गई, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। आचार्य बामन की परिभाषा पे बात नहीं कर पाई, बहुत छोटी परिभाषा है और परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। तो अगली एक परिभाषा, दो परिभाषाएं इन्होंने दी हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं दोनों, बामन इनके द्वारा दो परिभाषाएं दी गई हैं, उन दोनों पे बात करेंगे। पहली परिभाषा बहुत ही छोटी है, सौंदर्यम अलंकारः। क्या कहा गया है? सौंदर्यम अलंकारः, सुंदरता ही अलंकार है। सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः, लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः। बहुत छोटी परिभाषा है और परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। सौंदर्यम अलंकारः किनका कथन है? तो आचार्य बामन का। आचार्य बामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकारः। हिंदी में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सौंदर्य ही अलंकार है। सौंदर्य ही अलंकार है, इसे ऐसे भी कहते हैं कि सौंदर्य को अलंकार किसने माना? ऐसे प्रश्न आता है कि सौंदर्य को अलंकार किसने माना, तो सौंदर्य को अलंकार आचार्य बामन ने माना है, ठीक है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि काव्य के सौंदर्य को अलंकार किसने माना, तो काव्य के सौंदर्य को या सौंदर्य को अलंकार बामन ने माना। काव्य ग्रहण, काव्य ग्राह्यम अलंकारा, दूसरी परिभाषा इनके द्वारा यहां लिखे दे रहे हैं, काव्य काव्य, दूसरी परिभाषा लिखे काव्य ग्राह्यम अलंकारात, काव्य ग्राह्यम, काव्य ग्राह्यम अलंकारात, ग्राह्यम अलंकारात, ऐसे लिखे काव्य ग्राह्यम अलंकारात। पास पास करके भी लिख सकते हैं, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, मतलब काव्य